नमस्कार दोस्तों, वीआरएस शो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से ठीक एक साल पहले हम आपके लिए लेके आए थे डीडी एलआईजी फ्लैट की एक धुआंधार वीडियो। उसी सोसाइटी के अंदर हम दोबारा से आए हैं और हमारे पे प्रश्न उठाया गया था कि क्या सच में ये एलआईजी फ्लैट है जो आपने डाला है, ये तो जनता फ्लैट है, ये वो फ्लैट है, ऐसा फ्लैट है, वैसा फ्लैट है। सो दोस्तों देखिए, डीडीए फ्लैट के अंदर होती है एक कैटेगरी एलआईजी एमआईजी। एलआईजी एमआईजी की फिलहाल बात करते हैं। एलआईजी होता है लोअर इनकम ग्रुप और एमआईजी होता है मिडिल इनकम ग्रुप। इसके अंदर होती हैं मल्टीपल कैटेगरीज। एलआईजी के अंदर हमारे 35 गज के फ्लैट भी आते हैं और एलआईजी के अंदर हमारे 50 गज के फ्लैट भी आते हैं, जिसको जनरली हम एलआईजी कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं। ये जो हम सोसाइटी देख रहे हैं, आज हम इसी सोसाइटी का एक एलआईजी फ्लैट आपके लिए लेके आए हैं, जिसके अंदर आपको जोड़े का ऑप्शन भी मिल जाएगा और आपको एक नॉर्मल अगर सिंगल एलआईजी फ्लैट खरीदना है काफ़ी कम दाम के अंदर, तो ये रहने वाली है परफेक्ट चॉइस। आप जिस कॉमन एरिया के अंदर चल रहे हैं, आप उस कॉमन एरिया के अंदर एंटर करने के लिए एक बहुत चौड़ा रोड मिलता है, जो कि 40 से 50 फुट चौड़ा रोड है, जिसके थ्रू आप अपने फ्लैट के अंदर एंटर करेंगे। ये द्वारका सेक्टर 3 लगता है। सेक्टर 3 मतलब प्रॉपर सेक्टर 3 द्वारका। और यहाँ पे मिलता है हमें 35 गज का एलआईजी फ्लैट, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही साफ सुथरा, बहुत ही वेंटिलेटेड और रोड फेसिंग का फ्लैट मिलेगा, जिसको अभी हम थोड़ी सी देर में आपको दिखाना शुरू करेंगे। जो सोसाइटी का कॉमन एरिया है, पार्किंग आप देख सकते हैं, खुली पार्किंग आप लगाइए आराम से। जिस गेट पे हम खड़े हैं वो गार्डेड गेट रहने वाला है। सबसे पहले आगे आके मैं आपको दिखाने वाला था कि हमारे पास मिलता है सोसाइटी के अंदर एक मंदिर जो होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप सोसाइटी के अंदर जो मंदिर की व्यवस्था है उसको देख सकते हैं। अब यहाँ तक आ गए हैं तो क्यों ना मैं आपको दिखा दूँ कि दूसरे फ्लैट की हमें एंट्रेंस कहाँ से मिलती है, सॉरी दूसरा गेट हमें सोसाइटी का कहाँ से मिलता है। एक गेट हमें वो मिलता है और जो इवनिंग वाला गेट है वो मिलता है सामने की तरफ, जहाँ आप गाड़ी देख रहे हैं वहाँ पे हमारा गार्ड रूम भी बना हुआ है। मैं चल के आपको दिखाई देता हूँ वाला किस तरह से रहने वाला है, थोड़ा सा आगे आके दिखाते हैं आपको। सो दोस्तों, ये कॉमन एरिया प्लस सामने जो आप देख रहे हैं वो रहने वाला है हमारा सेकेंड डोर। इस सोसाइटी के अंदर हमें इस कॉमन एरिया के अलावा पार्क भी मिलता है। चलिए आपको लेके चलते हैं पार्क की ओर और मिलवाते हैं हमारे सोसाइटी के रक्षा कवच, हमारे सोसाइटी के जो गार्ड साहब हैं, जो यहाँ की पूरी सिक्योरिटी की देखभाल करते हैं। चलिए उनके पास लेके चलते हैं आपको और बताते हैं सोसाइटी के अंदर किस तरह की सिक्योरिटी की व्यवस्था रहने वाली है। आइए चलें। सो दोस्तों, यही है वो एलआईजी का जोड़ा जिसके बारे में हम आपको बार बार लगातार बता रहे थे। यहाँ पे हमें मिलते हैं ये दो फ्लैट्स जिसको हम चेंज कर सकते हैं। ये रॉ कंडीशन का फ्लैट है, ये मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ ये वाला फ्लैट जिसके अंदर काम हो रखा है, तो इसके अंदर क्या क्या काम हो रखा है। ये जो वॉल है इसको ही हम शिफ्ट करने वाले हैं, पर इस वॉल के और इस फ्लैट के रूम के साइज़ की बात करते हैं, मिलता है 11x11 के साइज़ में हमें। सामने की तरफ हमें मिलता है किचन एरिया, जो डीडीए किचन एरिया बना के देता है, बट इस वाले फ्लैट के अंदर कुछ चेंजेस किए गए हैं। फटाफट से आए आगे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये होने वाला आपका 10 या 11 फीट और 6 फीट इस तरह से लंबा है, ये आपको एरिया मिलता है। एक सामने की तरफ हमें मिलते हैं वॉशरूम और बाथरूम और आपका कॉमन स्टैंडिंग एरिया। तो वेंटिलेशन इस वाले फ्लैट के अंदर इस तरफ से आपको मिल ही रही है, बहुत अच्छी वेंटिलेशन है, बहुत ज़बरदस्त वेंटिलेशन है। यहाँ पे किचन को शिफ्ट करके इधर लाया गया है, आप एक बार आके देख सकते हैं। सो दोस्तों, ये यहाँ पे किचन के अंदर चेंजेस किए गए हैं, थोड़ा सा इसको एक्सपैंड किया गया है। 6 फुट की आपको चौड़ाई मिल रही है, लंबाई की बात करते हैं 11 फीट की आपको लंबाई मिल रही है। यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से काम किया गया है। अगर आप सिंगल फ्लैट लेते हैं तो आप इस तरह से चेंजेस करवा सकते हैं, और एल्स हम ले रहे हैं जोड़ा तो हमें मिलने वाला है डबल बेनिफिट। जो स्ट्रक्चर हमें इस फ्लैट के अंदर मिलता है वही स्ट्रक्चर हमें उस फ्लैट के अंदर मिलता है, बट उस फ्लैट के अंदर काम नहीं हो रखा है। ये जो आप वॉल देख रहे हैं, जो कॉमन वॉल रहेगी यहाँ से लेकर उसके बाद नेक्स्ट रूम में और उसके नेक्स्ट रूम में, इस वाली वॉल को रिमूव करने के बाद में वो पूरा का पूरा फ्लैट आपका हो जाएगा क्लब और आपको मिलेगा बहुत ज़बरदस्त स्पेस। अब चलते हैं, आपको पहले उस फ्लैट के अंदर लेके चलता हूँ और उसके बाद में बताता हूँ कि किस तरह से आपको ये फ्लैट जोड़ना है और किस तरह के आप चेंजेस कर सकते हैं। ये हमारा 35 गज का फ्लैट खत्म हो गया, अब चलते हैं दूसरे 35 गज के फ्लैट के अंदर। सो दोस्तों, रॉ कंडीशन फ्लैट के अंदर हमें क्या क्या मिलता है और किस तरह से डीडी हमें रॉ कंडीशन फ्लैट देता है, वो भी मैं आपको इसके अंदर समझा दूंगा। और इसी बहाने हमें ये भी पता लग जाएगा कि हमारे दोनों फ्लैटों को मिलने वाला हमारा क्लब एरिया कैसे होने वाला है। अभी जो आपने फ्लैट देखा था वो देखा था कम्प्लीटली काम होने के बाद में कैसा लगता है और उसके अंदर क्या क्या चेंजेस किए जा सकते हैं। ये जो फ्लैट रहने वाला है ये मिलता है जब डीडीए हमें देता है। रूम का साइज आप बिल्कुल सेम देख पा रहे होंगे। बगल वाले फ्लैट के अंदर हमें ये मिल रहा था कि हमें मिल रही थी एंट्रेंस हमारे इस तरफ से, तो यहाँ पे थोड़े से चेंजेस हैं।
आपको मिल जाएगा एक स्ट्रक्चर्ड फ्लैट डीडीए का रॉ कंडीशन में कैसा लगता है। आइए थोड़ा सा आगे आके आपको दिखाते हैं। जो डीडीए रॉ कंडीशन फ्लैट होता है उसमें जो हमें एरिया मिलता है कुछ इस तरह से मिलता है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। अगर हम इस डोर को थोड़ा सा आगे आए तो दोस्तों ये वाला जो एरिया है कुछ इस तरह से हमें मिलता है जब हम इसको रॉ कंडीशन। यहाँ पे कोई स्लैब नहीं होती है किचन की, किसी भी तरह का एक्स्ट्रा काम नहीं होता है। और जो डीडीए हमें वॉशरूम्स देता है वो कुछ इस तरह के देता है। डोमेस्टिक हमारी जो इंडियन सीट होती है वो लगी होती है और साथ में बेसिक हल्की फुल्की टाइल का काम करके देता है डीडीए हमें। और जब बालकनी की बात करते हैं कि बालकनी हमें कैसी और किस तरह की मिलती है डीडीए कंडीशन फ्लैट में, तो हमें इस तरह की बड़ी सी बालकनी मिलती है जो कि बगल वाले फ्लैट के अंदर कवर्ड थी, और यहाँ पे पूरी की पूरी अनकवर्ड बालकनी हमें मिलती है। साइज बिल्कुल सेम रहेगा बट एक स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कि जो रॉ कंडीशन फ्लैट है उसके अंदर और जो रॉ कंडीशन नहीं होता उसके अंदर कितना डिफरेंस होता है। तो इस डिफरेंस को अगर हम देखते हैं दोनों फ्लैट मर्ज करने के बाद हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्पेस मिल जाएगा। और अगर आप दोनों फ्लैट को मर्ज नहीं भी करते हैं, सिंगल सिंगल परचेज करते हैं, तो अगर आपको काम कराओ फ्लैट लेना है तो आप काम करे की तरफ जा सकते हैं, और अगर आपको काम कराओ फ्लैट नहीं चाहिए, थोड़े कम बजट में चाहिए, तो आप रॉ कंडीशन फ्लैट ले सकते हैं। दोनों को मिलाने के बाद में स्पेस काफ़ी अच्छा बन जाता है। बता चुका हूँ आपको 70 गज का ऑन पेपर स्पेस आपको मिल जाएगा, और साथ ही साथ जब आप इसको थोड़ा बहुत बालकनी कवर करते हैं जो कि की जाती है और की जा सकती है, नॉन कंक्रीट में आप कर सकते हैं, डीडीए को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, उस कंडीशन में आपको 80 गज 85 गज तक का एरिया इस फ्लैट से बड़े आराम से आप निकाल सकते हैं। द्वारका के अंदर अगर आप एक 2BHK फ्लैट लेने का प्लान कर रहे हैं तो वहाँ पे जो आपको प्राइस मिलता है वो मिलता है कम से कम नहीं तो 85 से 90 लाख रुपए। बट यहाँ पे हमें एक सहूलियत कह लीजिए, प्राइस कह लीजिए, प्राइस बहुत रीजनेबल है। अब आप इन दोनों फ्लैटों को मिला के अपना एक 2BHK फ्लैट बना सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये 2BHK फ्लैट, ये LIG जोड़ा आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये फ्लैट परचेज करना है, ये रहा फ्लैट कोड, गिव अस अ कॉल। इस फ्लैट कोड को हमें मेंशन कर दीजिएगा कॉल पे तो हमें जानकारी देने में आसानी होगी। और इस वाले फ्लैट की रजिस्ट्री कैसे होगी, इस वाले फ्लैट पे लोन कैसे होगा, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको कॉल पे दे सकता हूँ। इस फ्लैट के ऊपर DRDDA की कोई भी प्रॉपर्टी होती है उस पर गवर्नमेंट बैंक बड़े आराम से लोन कर देता है। लोन का सारा प्रोसेस हम आपको करके देंगे और रजिस्ट्री में पूरी आपकी हेल्प करेंगे, शुरू से लेकर एंड तक का प्रोसेस कैसे आसान बनाना है, कैसे उसमें आपको कहाँ कहाँ सावधानी बरतनी है, सारी की सारी चीज़ों की जानकारी हम आपको देंगे। आशा करता हूँ ये वाला फ्लैट आपको पसंद आया होगा। अगर इस तरह की कोई भी प्रॉपर्टी आपके पास है तो प्लीज़ गिव अस अ कॉल, उसको रेंट पे चढ़ाने के लिए, सेल करने के लिए हम उसमें आपकी मदद कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।